अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ चमकते दमकते शेव हुई हुई है और रश खींचती हुई टी शर्ट पहने हुए पाकिस्तान के सबक कप्तान राशिद लतीफ साहब आजकल बड़े डाढ़े हुए हैं जी। बड़ा मुश्किल है इनके साथ आजकल गुजारा करना। ये कहते हैं कि मैं परफेक्शनिस्ट हो गया हूँ। अच्छा राशिद भाई, 97 में साउथ अफ्रीका जी बोले 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 97 में जो कि आप भी खेले थे, साउथ अफ्रीका की टीम आई है, ट्रायंगुलर भी हुआ था और कोई इंडिपेंडेंस का वो कप शप का भी चक्कर था, तो पिंडी में मैच था और मैच के दौरान इन साहब को बड़ी सख्त दर्द उठ गई और मैं वो लेजन ऑफिसर के साथ खड़ा था तो मुझे एकदम शाउटिंग की आवाज़ आई कि इनको लेके जाना है, इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। तो हर्शल गिब्स और डैरिल कलिनन और हम बाहर आए तो वो एम्बुलेंस कहीं हमें दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो मेरी एक टूटी हुई सुजुकी होती थी जो जगह जगह रुक जाती थी और वो बड़ी नायाब सुजुकी है, उसको इंतजाम ने, विकी ने, सारों ने हाईवे पे धक्का भी लगाया हुआ। तो उनमें हमने इन साहब को बिठाया और हम इनको ले गए होली फैमिली हॉस्पिटल और वहां पे अब ये रास्ते में मुझसे पूछा जा रहा है डैरिल कलिनन और हर्शल गिब कि ये अपना इज इट गोइंग टू बी अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। मैंने कहा फैंटास्टिक हॉस्पिटल, यू डोंट वरी। तो हम जब उधर पहुंचे इमरजेंसी में, ये बैठा हुआ हाय हाय कर रहा, सर्जन को कॉल किया तो इतने में एक बिल्ली निकली जाली में से मियाओ करती और इनकी टांगों में से खुदर गई। ये डर के माफी मांग के उसी रात दोबारा साउथ अफ्रीका रवाना हो गए। इनको अपेंडिक्स था और फिर इनकी सर्जरी साउथ अफ्रीका में हुई थी। वेस्टर्न प्रोविंस के बेसिकली प्लेयर, बहुत ही एलिगेंट, स्टाइलिश ऑन एंड ऑफ द फील्ड और बड़े ही हम्बल और महीन इंसान। और इतनी इनकी मेमोरी है कि ग्लमोगन में मैंने एक दफा इनसे इनको याद कराया कि वो बिल्ली और होली फैमिली, तो इनको बिल्ली ही याद थी। सो मिडिलसेक्स से खेले, ग्लमोगन से खेले, केप कोबरा से खेले, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेले, कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले, सिडनी थंडर से खेले, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो से भी ये खेले और रेड स्टील की भी इन्होंने नुमाइंदगी की। 166 टेस्ट मैचेस, 13,289 रन, टेस्ट मैच की एवरेज 55.37, 55.37 एवरेज है। 45 इनकी टेस्ट मैच सेंचुरियां हैं, 58 इनकी मिस सेंचुरियां हैं, 328 वनडे इंटरनेशनल, 11,579 रन, 44.36 की एवरेज है और 17 इनकी जो सेंचुरीज हैं, थर्ड ऑन द लिस्ट है आफ्टर सचिन एंड अपना रिकी पॉन्टिंग, अब तो शायद विराट भी इनके करीब पहुंच गए होंगे। सो 86-50, 62 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां हैं, 23 लिस्ट ए हंड्रेड्स हैं, बॉलिंग भी कर लेते थे माशाल्लाह और विकेट भी ले लेते थे और 292 विकेट्स हैं इनकी टेस्ट मैचेस में, 292, 273 वनडे, 427 फर्स्ट क्लास में, 351 विकेट्स इन लिस्ट ए। जनाब राशिद लतीफ साहब, याक कालस। तो एक चीज भूल गए पढ़ना आप। अच्छा मैं पढ़ना, चलो, मतलब आप इसी कॉम्प्लेक्सेस में रहिएगा, मेमोरी से कॉम्प्लेक्स हो गया है आपको। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वही क्योंकि वाइस प्लेयर है जिनके 250 प्लस विकेट्स हैं और 10,000 रन है, ये मिस कर गए आप लाइन। हाँ चले कर गए, नहीं कर गए, तो बहुत आनी है आगे, बहुत इनके बारे में आना है। स्टैटिस्टिकली ये नंबर वन ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी मैच विनिंग पोटेंशियल और नेचुरल फ्लेयर सर गैरी सोबर्स, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, कपिल देव और बोथम के करीब भी आता था। नंबर्स में शायद ये बहुत ऊंचे हैं, बहुत आगे, बहुत आगे। बॉलिंग इतनी की नहीं, ये तो 250 ऐसे आउट कर दिए इन्होंने, जितने टेस्ट मैचेस देखे 162 टेस्ट मैचेस अगर हों तो ये अगर प्रॉपर बॉलिंग करते शायद रन्स कम हो जाते। लेकिन जो आपने ईयर बताया 96, खैर याद नहीं है, इतना बुढ़े हो गए आपने और मैं। ये एक मैच खेले थे वहां पे केप टाउन में, पाकिस्तान के साइड मैच था, वहां पे जब ये बैटिंग करने आए तो ये याद है बड़ी अच्छी बैटसाउ किए थे या कुछ रन किए थे उन्होंने, तो ये एल्बो गार्ड लगाया हुआ था तो बातचीत शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छा खेल रहा था ये ना, तो
वासित ने इसको बोला था कि तुम ना एल्बो गार्ड नहीं लगाया करो, तुम तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है तुम्हें पहनने की, मुझे याद अच्छी तरह। तो उसने सेंचुरी की थी, उसके बाद ही ये टीम में आ गया था, और उसके बाद देखें कितना बड़ा नाम हुआ है 41 का, और जबरदस्त हर चीज में अपने रिकॉर्ड जो बता दिया डॉग, इसके ऊपर क्या है, फील्डिंग में देख लें तीन लेकिन सौ रशिया तीन बैटिंग सौ में कैच किए हैंसन होंगे। गलत नजर आती थी बैटिंग में, जब ये क्लिप करते थे विकेट और वो नहीं, हैंसन की हंसी तो को नहीं, तरह। टोटली डिफरेंट प्लेयर था ये बहुत ही हाई क्लास। जो आप नाम ले रहे हैं सचिन के साथ या रिकी पॉन्टिंग, लारा, ड्रैविड, ये उस कैटेगरी में आते हैं। और जिस तरह से टेस्ट मैचेस में रन किए हुए ना, जब इनकी लगती थी ना बारियां, वो फिर बहुत ही रन करते थे। ये कमी हुआ है कि लंबा फ्लॉप हुए हो, 150 150 150, मतलब रुकने पे ही नहीं आते थे। टेस्ट मैच में मैं बोलूंगा कि बहुत इनका किरदार है साउथ अफ्रीका को ऊपर लेने लेके आने में। रिटायर कब हुए ये देखिएगा जरा। रिटायर मेरा दो, नहीं, ये रिटायर हुए मेरा 2013-14, और 100 तेरह किया है ना लास्ट सीरीज में भी। यस, तो वहां पे देखें वही सीजन देखिएगा, 13 14 का सीजन देखिएगा, साउथ अफ्रीका नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में आ गई थी, तो उसमें भी बिल्कुल बड़ा किरदार था। हाँ थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि ये वनडे क्रिकेट में चैंपियन नहीं हो सकी साउथ अफ्रीका, इनके खेलते हुए भी ये ऐसे प्लेयर थे, बल्कि टीम ही बहुत बड़ी थी। 99 का वर्ल्ड कप देख लें, 2003 का देख लें, 7 का देख लें, हर जगह ही देखें, तो इन जैसे प्लेयर्स के होते हुए साउथ अफ्रीका को चैंपियन तो होना चाहिए था। लेकिन जी राशिद कप्तान कप्तान जी नहीं बने, शायद पहले वो थे, वो ही हुआ ना कि इनिशियली हैंजी क्रॉनिये थे, बाद में एकदम ग्राम स्मिथ आ गए, फिर वो लंबा ही चले 100 टेस्ट में शॉन कप्तानी की, शॉन इनको पोलॉक आए थे, वो कप्तान। सक्सेस नहीं मिली शॉन पोलॉक को, 2003 में हटा दिया था उनको, फिर एक यंग एज में ग्रैम स्मिथ बने और वो आखिर तक कर गए, तो कप्तानी का इतना मौका नहीं मिला। लेकिन एज ए प्लेयर जो भी कप्तान, जिसके जिस कप्तान के अंडर में भी खेले तो बहुत ही अच्छा खेले, फास्ट बॉलिंग हो, स्पिनर, स्पिनर्स पे बहुत अच्छा। अगर हम देखें पाकिस्तान में आके खेले या इंडिया में खेले तो अच्छे ही खेलेंगे, तो काउंटी में देख लें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के, या हर कंट्री में जाके अच्छा खेले, इसी वजह से इनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। अगर आप देखें वनडे में इनकी कैचेस की तादाद देखें, इनकी बॉलिंग में विकेटों की तादाद देखें, इनके रन्स देखें, तो तीन दो दोनों फॉर वनडे, T20 में तो इतना नहीं खेले होंगे या खेले ही नहीं होंगे, थोड़ा बहुत खेले होंगे लेकिन फ्रेंचाइज में खेले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और वनडे जिस वक्त ये अपनी जोबन पे थे, तो उसमें इनका रिकॉर्ड ही बताता है कि ये दुनिया के उस जमाने के, उस जनरेशन के टॉप 5 प्लेयर में से थे, जिसमें अभी नाम ले लिए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, ड्राविड हो गए, तेंदुलकर हो गए, या ब्रायन लारा, तो सिर्फ चौथे प्लेयर तो बने थे जिन्होंने 13,000 टेस्ट रन्स किए हैं यार, मतलब अमेजिंग थे। फर्स्ट फ्रॉम अपना साउथ अफ्रीका, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, इनको मिस्टर कंसिस्टेंट कह सकते हैं आप। मैं तो बॉलिंग का फैसला रही था, स्विंग इनके नेचुरल थी। अगर आप डॉग अगर आप एक्शन देखेंगे ना, बॉल की रिलीज एक्शन बहुत ही जबरदस्त, आउट स्विंग, बाउंसर इनका तगड़ा था। अब मेरे ख्याल से स्टेमिना की वजह से या अपनी फिटनेस की वजह से इतनी बॉलिंग पे लोड नहीं दिया गया इनके, क्योंकि तमाम क्रिकेट खेल रहे थे काउंटी में भी, फिर इनका देखें बहुत बड़े इवेंट में भी देखें कम बॉलिंग की हुई है, 4 ओवर करते थे, 3 ओवर करते थे, तो इनको इतना लोड नहीं दिया गया, फिर भी इनकी 250 250 विकेट होंगी, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट दोनों फॉर्मेट में अगर लगाए, वनडे में भी काफी विकेट थे, लेकिन अगर जितने ये मैचेस खेले अगर प्रॉपर बॉलिंग करते तो इनका रिकॉर्ड तो ना टूटने वाला हो जाता कभी भी। तो मेरे ख्याल से इन्होंने मेरे ख्याल अपनी जी अभी भी ना वाला रिकॉर्ड है, एज एन ऑलराउंडर मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए इधर तक वनडे पहुंचना इन नंबर पे। में कितने विकेट थे इनकी, तक 292 विकेट होंगी शायद, बहुत विकेट थे यार ये तो, इनकी टेस्ट मैच 252 आप है खुद शायद। अंदाजा लगा रहे। नहीं, इनका रिकॉर्ड तो बहुत ही जबरदस्त है, और एज ए ह्यूमन भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आया नजर, शायद आपको अगर नजर आया तो बताएं, तो बहुत अपनी अपोजिट देखें नेवर नहीं ना, ये प्लेयर्स की क्वालिटी होती है कि उनको हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं उनके खेल की, उनके बिहेवियर को भी नजर देखना चाहिए एक नजर, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो इनका भी बॉक्स टिक है कि गुड ह्यूमन, अगर देखा जाए कि आपके विद इन द टीम और अगेंस्ट द टीम जो खेल रही है उनके खिलाफ कैसा बिहेवियर है, तो उसमें भी ये
फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्समैन जो है जो कि रिप्रेजेंट किया उन्होंने साउथ अफ्रीका को, तो ऐसे कम प्लेयर नजर आते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे भी प्लेयर हैं लेकिन वो अपने बिहेवियर से मार खा जाते हैं। 292 टेस्ट विकेट, 273 वनडे में आउट। अच्छा सुना है आप तो खेले भी होंगे इनको, सुना है इनका पीछे का गेंद तिखा होता था बाउंसर, वही तो बता रहा था बाउंस करते दो तीन दिन ड्रॉ की आउटिंग बहुत अच्छी थी, शेप बनती थी करके आगे ना, एक्शन देखे इनका बड़ी अच्छी जबरदस्त बनती थी, उसमें अंदर भी लेके आते थे, बाउंसर अच्छा था, पूरा पूरा एक्शन था लेकिन बाउंसर इनका नजर आता था, ये सामने से होता था, जोर से मारते थे पीछे की तरफ मारते थे क्योंकि जनरल फास्ट बॉलर तो नहीं थे, ठीक थे लेकिन बहुत सारे फास्ट बॉलर तेज थे डॉग, डर लगता था, ऐसा नहीं है आगे से जब स्विंग हो रही होती है आप अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है घबराते हैं, तो इनका अच्छा शेप बनती थी बहुत अच्छी। तो मुझे ये हैरत होती है कि यार बॉलिंग कम की इन्होंने, इनकी विकेटों की तादाद कम है। एक तो बात जी जी ग्रेटेस्ट कह सकते हैं आपके जो प्रॉपर ऑलराउंडर थे, यानी कि इक्वल बैट्समैन एंड इक्वल बोलर, आप इनको बैटिंग ऑल, अगर इस पे जाएंगे ना डॉग मैं न्यूट्रली बात करूंगा, मैं हमने जो दौर देखा है, मैंने और आपने जो दौर देखा है रिचर्ड डेडली, इमरान खान, कपिल देव एंड पीएम बोथम का, सर गैरी सोबर्स को हमने देखा नहीं, वो बाद में स्पिन पे भी आ गए थे ठीक है ना, हमने देखा नहीं, हम चारों को अगर कंपेयर करेंगे ना, जो दबदबा इन चार फास्ट बॉलर का था ना, वो शायद यार कैलिस के पास बॉलिंग में नहीं आ पाया और ना आ पाएगा, ठीक थे वो मतलब सीमर टाइप के अच्छे बॉलर थे लेकिन खौफ नहीं आया। कपिल देव के देखते हैं 400+ टेस्ट विकेट्स हैं, इमरान खान रन बैटिंग और बॉलिंग फिर कैप्टनसी, फिर सर रिचर्ड हैडली को देखते हैं, फिर ये सर ईएम बोथम को देखते हैं, तो आजकल के लोग शायद मान जाए कि या कैलिस बेस्ट ऑफ ऑलराउंडर हिस्ट्री का, लेकिन जो 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 हमने टाइम देखा ना, रोप देखा है, दबदबा, जो किलिंग स्ट्रिंग देखी उन चारों में, मेरा नहीं ख्याल ये करीब भी आएंगे। और आप ये कह सकते हैं कि यार कैलिस ग्रेट ऑलराउंडर, ही वाज एन इंपैक्ट प्लेयर बट नॉट अ गेम चेंजर। जो भी आपने सारे नाम लिए वो अकेला किसी दिन किसी मूड में अकेले ही गेम को चेंज कर देते थे ना, बोथम, इमरान, हेडली, कपिल। ऐसा नहीं है कि गेम नहीं चेंज किया, इन्होंने किया हुआ, रेशियो बहुत कम होगी, इसीलिए हमें रिमाइंड नहीं कर रहा, क्लिक नहीं कर रहा कि यार याद कल इसने गेम को चेंज किया बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके पास गिफ्ट थे, वो अच्छे प्लेयर थे, फिर कैरिकस्टर इनके पास अच्छे प्लेयर थे, साथ में हंसी कुरोने थे, तो ऐसे फिर बॉलिंग का बेंच मंच ऐसा था तगड़ा था, तो इन्होंने जिस तरह से दूसरे प्लेयर्स ने तन तनहा मैचेस जिता है, शायद ये खामी एक रह गई उनमें, सेल्फिश तरह टेस्ट मैचेस में या अपनी इनिंग को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगाते थे, तो इंडिविजुअल देखा जाए तो ग्रेटेस्ट प्लेयर है लेकिन एज अ टीम मैन थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है मुझे लगता है, बाकी ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ग्रेटेस्ट प्लेयर गुजरे हैं दुनिया के, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और अब साउथ अफ्रीका की टीम में आ गए तो अब देखते हैं कि कितना के इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। हां बिल्कुल, मैनेजमेंट का हिस्सा, कोचिंग स्टाफ में आ गए और अच्छा मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला लिया, जिस तरह साउथ अफ्रीका डाउन द हिल जा रही थी, जा चुकी थी, हाशिम चले गए, स्मिथ चले, सारे प्लेयर तो चले गए थे ना, तो अब पुराने प्लेयर्स आए हैं, वही लोग आ गए, या कैलिस आ गए और साथ में स्मिथ है, बाउचर है, तो हम भी देखना चाहते हैं इनकी टीम को कि एक स्टेप और आगे आए और इनका कंट्रीब्यूशन तो आएगा बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। राशिद भाई अब खत्म करते हैं और जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, एक ऑलराउंडर सुना जाया हो गया जो लेफ्ट आर्म भी बॉलिंग कर लेता था, राइट आर्म भी करता था, फास्ट मीडियम भी करता था, टुच्चे भी करता था, ऑफ स्पिन भी करता था और विकेट कीपर भी था और बैट्समैन भी था, उसके मुताबिक भी कभी प्रोग्राम करें, वो गेम ओनर भी करता, वो गेम ओनर भी करता था और कॉट बैंड भी करता था, कॉट बैंड। Got banned.